अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू आइजस एवरी न्यू एपिसोड। आज मैं आपको अपना पूरा सेटअप बताना चाहता हूँ। माशाल्लाह यहाँ पर कुछ मास्क वैरायटी के बर्ड्स छोड़े हुए हैं, अफ्रीकन लव बर्ड्स। इसमें एक येल्लो बुल का एक्स्ट्रा मेल है। तो चलिए पहले आपको नॉन रिंग की कॉलोनी से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर मैंने पिछले साल 6-7 महीने पहले कुछ बच्चे लेकर यहाँ पर छोड़ दिए थे। माशाल्लाह वो अब एडल्ट हो चुके हैं, जिनकी उम्र तकरीबन 8-9 महीने होंगी। इनकी पेयरिंग के लिए मैंने कुछ 7-8 मटकियाँ लगा दिए और 2 बॉक्सेस भी लगा दिए, जिसकी वजह से वो पेयरिंग यानी उससे उनकी पेयरिंग हो जाए। और माशाल्लाह इन्होंने पेयरिंग करना स्टार्ट भी कर दिया और कुछ पैर ऐसे भी लग गए जिन्होंने ब्रीडिंग भी स्टार्ट कर दिया। आप देख सकते हैं माशाल्लाह इसमें 4 अंडे थे, चारों फर्टाइल, और इसमें भी 2 अंडे थे। अब देख सकते हैं इसमें मैंने कुछ लुटिनों के पीच फेस छोड़े हुए, ऑलिव के पीच फेसेस है, और 1-2 पीसेस रोजी ऑफलाइन रोजी के पीच है, और एक माओ का भी पीच पीस फेस छोड़ा हुआ था। यहाँ पर कुछ कैल्शियम विटामिन की दवाई रखी हुई है। इसमें पहली कैल्सिलक्स, जो कि कैल्शियम के लिए यूज़ करता हूँ, और रेक्स ऑयल है, जो विटामिन ए एंड डी का हाई सोर्स माना जाता है और ब्रीडिंग को भी बूस्ट करता है। यहाँ पर विरकॉन है और ब्रूटॉन, जो लीवर टॉनिक है, और A2Z जो मल्टी विटामिन मैं अपने बर्ड्स के लिए यूज़ करता हूँ। और यहाँ पर सीड्स रखा हुआ है, ये सीड्स जो मैं अपने बर्ड्स के लिए यूज़ करता हूँ। तो चलिए अभी आपको अपने बजिस की कॉलोनी बताते हैं। ये है मेरी बजिस की कॉलोनी, जिसकी प्रोग्रेस अपने पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से, और ज़मीन पर एक बॉक्स रखा हुआ है ऐसे ही, लेकिन उसमें भी माशाल्लाह से फीमेल ने ब्रीडिंग की हुई है। ये लास्ट वीडियो में आपको बताना भूल गया था। देखिए माशाल्लाह इसमें 3 या तकरीबन 4 बच्चे पड़े हुए हैं, स्पेंगल की फीमेल है। और फिर यहाँ पर मैंने कुछ अपने अफ्रीकन लव बर्ड्स को सेपरेट केजेस में लगाया हुआ है, जिसमें पहला पैर जो है सिंगल फैक्टर वॉयलेट मास्क है, जिसमें 2 बच्चे निकाले हुए हैं। माशाल्लाह आप देख सकते हैं इनकी क्वालिटी, इनका मास्क दोनों भी सिंगल फैक्टर वॉयलेट मास्क है, और इनके 2 बच्चे जो कि आपको अभी बताता हूँ। ये एक बच्चा और एक बच्चा पीछे छोटा है, देख सकते हैं माशाल्लाह क्वालिटी बच्चे की भी। अब अगले केज में जो मैंने पैर रखा है वो ऑयल सिंगल फैक्टर वॉयलेट मास्क की फीमेल और कोबाल्ट मास्क का मेल, जो कि बॉक्स में गए हुए हैं। माशाल्लाह इन्होंने भी लेइंग की हुई है, इन्हें ज़्यादा डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होगा। और इसके नीचे जो अगला केज है उसमें भी मैंने एक पैर सिंगल फैक्टर वॉयलेट मास्क की फ़ीमेल और कोबाल्ट मास्क का एक मेल रखा हुआ है। अब देख सकते हैं माशाल्लाह दोनों की क्वालिटी, साइज़ वगैरह देख सकते हैं। ये जो मेरे कॉलोनी में रखे हुए थे, लेकिन इनको इनकी प्रोग्रेस थोड़ी अच्छी हो जाए इसलिए इन्हें सेपरेट लगा दिया। यहाँ पर भी मेरा एक अफ्रीकन का पेड़ रखा हुआ है, जिसमें ऑलिव की फीमेल ऑलिव मास्क और ब्लू डाइल्यूट का मेल रखा हुआ है, जो कि अल्बिनो का स्प्लिट है। इंशाल्लाह ये भी बहुत जल्द ब्रीडिंग करेंगे, इनकी प्रोग्रेस भी आपके साथ जल्द ही शेयर करूँगा। ये कुछ पीसेस कुछ पैर मैंने सेपरेट रखे हुए अपने कॉलोनी में ही, बजिस की कॉलोनी में सेपरेट केजेस करके। अभी आपको अगला सेटअप बताता हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ अपने ग्रीन फिशर के पीसेस छोड़े हुए, जो कि येल्लो बुल के स्लिट्स है। ये माशाल्लाह से सारे के सारे सेल हो चुके हैं। आप देख सकते हैं इनकी क्वालिटी, आपको यहाँ से बताता हूँ दूसरे साइड से इनकी क्वालिटी, कलर वगैरह देख सकते हैं। ये तकरीबन अभी 4 से 5 महीने के होंगे, और यहाँ पर मेरी मास्क वैरायटी की कॉलोनी रखी हुई है। यहाँ पर 2 पैर ब्रीडिंग पैर है, और इसमें एक बच्चा है और एक येल्लो बुल का मेल एक्स्ट्रा रखा हुआ है, जिसकी फीमेल गलती से उड़ गई थी। तो ये कुछ मेरा इंडोर सेटअप था,
अभी आपको आउटडोर सेटअप जो कि मेरा टेरेस पर बना हुआ है वो भी आपको बताता हूँ। ये मेरा अभी आपको टेरेस का सेटअप बताता हूँ बाकी। और यहाँ पर मैंने कुछ कटल बोन रखी हुई है जो कि बर्ड्स के लिए नेचुरल सोर्स माना जाता है कैल्शियम के लिए। और यहाँ पर एक फ्लाइंग केज है जिसमें मैंने एक येलो साइडेड का पेड़ छोड़ा हुआ है जो कि ऑलमोस्ट एडल्ट हो चुका है। और उसी के साथ एक कॉकटेल का पेड़ रखा हुआ है और एक मेरा टेम किया हुआ बर्ड रखा हुआ है कॉकटेल जिसका नाम एलेक्स है, उसको भी अभी आपके साथ शेयर करता हूँ। ये मेरा टेम किया हुआ एलेक्स है, माशाल्लाह बहुत बेहतरीन टेम है आप देख सकते हैं। ये भी तकरीबन एडल्ट हो चुका है, इसकी एज भी 15 से 16 महीने के दरमियान है देख सकते हैं। और इसी के साथ मैंने इसी में दो केजेस सेपरेट कर कर रखे हुए। ये मेरा येलो साइडेड का पेयर है देख सकते हैं, क्वालिटी साइज वगैरह इसकी क्लोज रिंग बर्ड्स है विद डीएनए, दोनों मेल फीमेल कंफर्म है। और ये दो सेपरेट केजेस रखे हुए जिसमें दो पेयर येलो बुल के हैं जिनकी प्रोग्रेस भी अभी आपको बताता हूँ। माशाल्लाह दोनों पेयर ने ब्रीड की हुई है, इस पेयर ने अभी बच्चे हैच किए, दो बच्चे निकल चुके हैं वो भी बताता हूँ आपको। माशाल्लाह आप देख सकते हैं दो बच्चे निकले हुए और तीन अंडे अभी बाकी हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है उसमें से भी जल्दी ही बच्चे निकल आ जाएंगे। ये जो आप पैर देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत बेहतरीन क्वालिटी का पैर है, क्वालिटी देख सकते हैं आप बर्ड की और साइज़ भी देख सकते हैं फुल साइज़ का बर्ड है। और इसके नीचे भी एक येल्लो बुल का पैर रखा हुआ है जिसमें भी तीन बच्चे निकाले हुए हैं माशाल्लाह। एक बच्चा बाहर आया हुआ है उसे अभी उठाकर बॉक्स में रख देंगे। ये पैर है माशाल्लाह, इसकी भी क्वालिटी साइज़ वगैरह देख सकते हैं। ये देखिए ये तीन बच्चे निकले हुए जो कि माशाल्लाह 10-15 दिन में बाहर निकल जाएंगे और सेल्फ हो जाएंगे। एक बच्चा जो थोड़ा लेट निकला हुआ है। और अभी आपको अपना अगला सेटअप बताता हूँ जो कि मेरा अफ्रीकन लोबर्ट का कॉलोनी सेटअप है जिसमें मैं कुछ पीसेस माओमास के छोड़े हुए, कुछ पीसेस डाइल्यूट के छोड़े हुए, कुछ पीसेस कोबाल्ट मास्क वॉयलेट को और उसी के साथ ब्लू मास्क और एक पीस येलो फिशर का भी छोड़ा हुआ है। ये अभी एडल्ट हुए और अभी मैंने कम से कम 15-20 दिन पहले इनके लिए बॉक्स और मछलियाँ लगाई हुई है आप देख सकते हैं माशाल्लाह। एक दो पैर ने ब्रीड भी किए है इसमें। ये कुछ पीसेस हैं यहाँ से देखें माशाल्लाह, इनकी क्वालिटी साइज़ वगैरह आप देख सकते हैं। ये माओ मास्क है जो सामने बैठा हुआ है, देखिए क्वालिटी। ये सारे के सारे जल्द ही ब्रीड करेंगे, कुछ पैर ने तो ब्रीडिंग स्टार्ट कर दी है। और ये मेरा आखिरी जो सेटअप है कॉकटेल का सेटअप जिसकी वीडियो आपने पहले भी देखी हुई है, फिर से एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो माशाल्लाह इस पहले केज में जो पैर रखा गया लुटिनो की फीमेल है और ग्रे का मेल है, मेल अभी बॉक्स में है माशाल्लाह। आप देख सकते हैं मेल की फीमेल की साइज़, उनका क्राउन क्वालिटी। और ये जो दूसरा पैर वाइट फेस का मेल और उसके साथ पर्ल की फीमेल रखी हुई है। और ये नीचे एक पैर है जो ग्रे की फीमेल और लोटिनो का मेल रखा हुआ है। और ये दो पीसेस एडल्ट हैं, मेल है दोनों भी, जैसे ही इनके लिए फीमेल मिलती है इनको भी ब्रीडिंग पर लगा देंगे। और ये एक अगला पैर है जो कि बॉक्स में है जिसमें पर्ल की फीमेल है माशाल्लाह आप देख सकते हैं और पाइड का मेल है। और इसी के साथ और एक पैर जो मेरा सेपरेट रखा हुआ है लुटिनो का पैर है ये वाला, जो कि मेरा सबसे पुराना पैर है, इसके बच्चे अभी मैंने हैंड फीडिंग के सेल कर दिए। और ये एक वाइट फेस का मेल है और लुटिनो की फीमेल है,
इन्होंने भी माशाल्लाह से बच्चे निकाले हुए हैं, इनकी भी प्रोग्रेस जल्दी आपके साथ शेयर करूँगा। ये एक पैर है ग्रे का मेल और पाउंड की फीमेल, इनके भी बच्चे मैंने हैंड फीडिंग के सेल कर दिए। और यहाँ पर भी एक पैर है जिनके 10-15 दिन पहले बच्चे मैंने हैंड फीडिंग को लिए हुए, जो कि अभी भी हैंड फीडिंग पे हैं, और इन्होंने फिर से माशाल्लाह से लेइंग कर दिए 10-15 दिन में ही। तो माशाल्लाह यही कुछ मेरा सेटअप था जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।